नमस्कार किसान दोस्तों साथियों, आज अपन बात करेंगे सिजेंटा की SW26 का कैसा रहा रिजल्ट। साथियों, सिजेंटा की SW26 गेहूं की वैरायटी काफ़ी अच्छी रिजल्ट देने वाली वैरायटी है। इस साल इसके पैदावार क्षमता काफ़ी अच्छी रही है। हालांकि साथियों, बेमौसम बरसात की वजह से इसकी पैदावार में थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ा है, लेकिन साथियों गेहूँ की अन्य वैरायटियों के मुकाबले इसकी पैदावार क्षमता अच्छी देखने में मिली है। साथियों, सिजेंटा की SW26 गेहूँ की इस वैरायटी की अगर हम पैदावार क्षमता की बात करें तो अगर हम उन्नत विधि अपना करके खेती करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथियों, SW26 वैरायटी लगभग 125 से 132 दिन के आसपास में पककर तैयार हो गई थी। किसान साथियों, इसकी प्लांट हाइट की बात करें तो लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास इसके पौधों की लंबाई देख सकते हैं। किसान साथियों, इसके तना मजबूत होता है, इस कारण हवा के द्वारा ये नीचे नहीं गिरी थी। किसान साथियों, इसके पौधों की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि रोगों और कीटों से लड़ने की क्षमता काफ़ी पाई जाती है। इस कारण साथियों, SW26 के गेहूं में रोग और कीटों का प्रकोप देखने में नहीं मिला है। किसान साथियों, SW26 में फुटान काफ़ी अच्छे देखने मिली हैं, जिस कारण साथियों काफ़ी अच्छी पैदावार भी मिली है। अगर हम इसके दानों की बात करें तो दाने बड़े वजनदार चमकदार हैं, और साथियों हम 1000 दानों का अगर वेट करें तो लगभग 42 से 45 ग्राम के आसपास के दानों का वजन देख सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो इस साल साथियों इसकी 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास पैदावार क्षमता रही है। किसान साथियों, अगर आपको खेती बाड़ी से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।